2014 में महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव हुए और मालेगांव शहर की आवाम ने मुझको चुनकर असेंबली के अंदर भेजा और अक्टूबर 2019 में 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 5 सालों के अंदर जो विकास, तामीर, तरक्की, सनत के मसाइल, तालीम के मसाइल, मज़दूरों के मसाइल, बुनकरों के मसाइल और शहर के अंदर बड़े बड़े तामीरी काम जो मैंने किया, चाहे वो हॉस्पिटल के काम हो या गौर गरीबों के काम हो, ये सब काम लेकर आवाम की अदालत में 5 साल हिसाब 19 जुलाई को बड़ी मालेगांव स्कूल के ग्राउंड में हम पेश करने वाला हूँ और शहर की आवाम को गैर सियासी प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि मालेगांव शहर के हर पार्टी को मानने वाले, हर मसलक के उल्मा, तालीमी हलके के लोग, मज़दूर, बुनकर, गरीब, अमीर सबको बुलाकर हम हिसाब देने वाले हैं हम, और शहर की आवाम कामकाज से अगर मुतमईन होगी मेरे 5 साल, और शहर की आवाम अगर मुझको वापस बोलेगी, हमारे पार्टी के सभी लीडरान कार्यकर्ता अगर बोलेंगे और शहर की आवाम बोलेगी, तो मैं आइंदा का असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान करूँगा। अगर हमारे पार्टी के वर्कर या शहर की आवाम मेरे कामों से मुतमईन नहीं होगी, तो मैंने पहले भी कहा था हटधर्मी नहीं करूँगा, आज भी वापस कह रहा हूँ। आप अपने 5 साल के कामों से मुतमईन? 5 साल के काम से मैं तो खुद मुतमईन हूँ और शहर की आवाम भी मुतमईन है और हमारे वर्कर भी मुतमईन है, हमारे लीडरान भी मुतमईन है। लेकिन क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर एक नई शुरुआत हमने की कि एमएलएशिप का हर साल हिसाब देना और 5 साल का हिसाब देने का जो वादा मैंने 2014 में असेंबली के इलेक्शन के वक्त किया था, इसलिए 5 साल पूरा हो रहा तो हिसाब देना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ, ज़रूर मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर की आवाम इत्मीनान जाहिर करेगी और मुझे ज़रूर ये बात की इजाज़त देगी कि आप आइंदा इलेक्शन लड़ो। मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से आप कभी तक कहाँ तक कामयाबी हुई? मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से 2013 से जो तहरीक महाराष्ट्र भर के अंदर हम लोगों ने मिलकर चलाई, उसके बाद सरकार ने 2014 में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रिजर्वेशन दिया, भाजपा ने वो रिजर्वेशन छीन लिया और इन 5 सालों के अंदर मैं समझता हूँ कोई भी असेंबली सेशन मेरा नहीं ऐसा गया होगा जो मैंने असेंबली के अंदर आवाज़ बुलंद नहीं की हो, एहतजाज नहीं किया हो। और जब सरकार ने बिल्कुल टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई, तो इस आखिरी सेशन के अंदर आपको याद होगा कि जब आखिरी सेशन अभी हुआ, तो महाराष्ट्र के पहला मैं एमएलए हूँ जो मुस्लिम रिजर्वेशन का प्राइवेट बिल मैंने असेंबली के अंदर पेश किया और बाकायदा मजबूत दलील मरकजी हुकूमत की कमेटियों की, रियासती हुकूमत की कमेटियों की मजबूत दलील के साथ मैंने बिल पेश किया और उस बिल को हाउस ने एक्सेप्ट किया और उसकी प्रोसीजर ऐसी है कि आइंदा असेंबली सेशन के अंदर उसके ऊपर बाकायदा बहस होगी और उसके बाद कोई फैसला होगा। बोलने का मतलब कोई दिन ऐसा नहीं रहा असेंबली सेशन में कि हमने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए तहरीक नहीं चलाई। आपने प्राइवेट बिल इंतहाई आखिर में क्यों पेश किया, पहले भी ये कर सकते थे? ऐसा है कि प्राइवेट बिल दाखिल करना अपोजिशन पार्टी के एमएलए को, इसके लिए बहुत ही मरहलों से गुजरना पड़ता है। सिर्फ हम ले जाके हाथ में दे देवे और उनको बोले कि आप रख लो, ऐसा नहीं होता है। पहले हमको उसको बिल को ड्रॉप तैयार करना पड़ता है, वकील का पैनल बैठता है वो ड्रॉप तैयार करने के लिए, उसके बाद हम लोग उसको दाखिल करते हैं, गवर्नमेंट उसको लॉर्ड जुडिशियल डिपार्टमेंट में भेजती है कि ये कानून के दायरे में है या नहीं, और उसके बाद उसकी ऑनलाइन प्रोसीजर है हमारी। इसके लिए 2 साल का मुकम्मल वक्त लगा, मैंने 2 साल पहले इसको सबमिट किया था, तो अब जाकर उसको हमने एजेंडे पे लाने की कोशिश की थी और उसके अंदर कामयाब। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, मालेगांव की जनता अगर आपको फिर एक बार असेंबली भेजती है तो किन मुद्दों पर बात होगी?
पहले 19 तारीख हो जाने दीजिए, शहर की आवाम इजाज़त देगी तो उसके बाद इस बातों का भी इंशाल्लाह जवाब दूंगा मैं। क्योंकि ऐसा है कि मैनिफेस्टो लाअमल जो 5 सालों का होता है, तो उसके लिए सभी जिम्मेदारान को लेकर बैठकर हम लोगों को लाअमल तैयार करना पड़ता है कि हमको शहर में क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा वादा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज जवाब दे दिया तो हमारे लीडरान तो मैं समझता हूँ अपमान हो सकता है। इसके लिए जब शहर की आवाम इजाज़त देंगे उसके ऊपर हम बात करें। आपके जो सामने के मुखालिफ हैं वो भी एनसीपी में आते हैं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का पिछले बार इख्तियार नहीं था, इस बार इख्तियार था, तो उनके लिए तो कांग्रेस की सीट है, उनके लिए कोई ये नहीं बचा है ना। वो अगर आपका काम करें चाहिए या फिर वो किसी और पार्टी में चल चले जाए तो आपका मुकाबला उनके साथ। नहीं, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को अपने अपना जमहूरी मुल्क है और अपना हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि उसूल की, कि अगर पार्टी की अगर पक्के सदस्य है, पार्टी की पॉलिसी को अगर मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन का भी एहतराम करना चाहिए। और अगर कोई पार्टी की पॉलिसी को नहीं मानता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, और अगर शहर की आवाम ने इजाज़त दी तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि शहर की आवाम फिर अच्छा और बुरा जानती है। 5 सालों का हिसाब किताब पिछला 5 साल भी देखेंगी, ये 5 साल की भी तुलना करेंगी, ज़रूर इंशाल्लाह मैं समझता शहर की आवाम करीब करीब पहुँच जाएंगी इसको कामयाब करना। मैं कांग्रेस पार्टी पैदा हुआ तो घर में कांग्रेस का झंडा था, तो ये सवाल मैं समझता हूँ कि उठना ही नहीं चाहिए, सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, MIM जो है अभी महाराष्ट्र में प्रवेश कर लिया, मालेगांव शहर में उनका थोड़ा सा बड़ा, पिछले टाइम में भी मेरे सामने MIM के कैंडिडेट थे, तो शहर की आवाम ने फैसला दे दी, और इस टाइम के अंदर भी अगर उम्मीदवार रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं है, जमहूरी मुल्क है, सबको अधिकार है, उम्मीदवार एक आए, चार आए, पाँच आए, दो मशीन हो जाए, तीन मशीन हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ शहर की आवाम समझ चुकी है कि किस मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, किस मुद्दे को पसंद करती है, तामीर तरक्की को पसंद करती है, रोज़गार को पसंद करती है, तालीम को पसंद करती है, और जो बातें ये जो लोग ऐसी बातें करेंगे और अमली तौर पर काम करेंगे, मैं समझता हूँ शहर की जनता उनके साथ जाएगी। ऐसी पॉलिसी अख्तियार किए हुए है कि हिंदू मुस्लिम के फसाद हो जाए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक तो ऐसे हालात नहीं समझ में आ रहे हैं। आज जो भी बातें हो रही है मुल्कों के अंदर या रियासत के अंदर, ये सब फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सब तंजीमें जो है ये उनके तरफ से हो रही है, और मॉब लिंचिंग के नाम पर वही लोग मार रहे हैं। मैं समझता हूँ ना MIM के वर्कर कर रहे हैं ऐसा, ना कांग्रेस के वर्कर कर रहे हैं, ना राष्ट्रवादी के वर्कर कर रहे हैं, ये सभी बातें ये भारतीय जनता पार्टी की तंजीम